हेलो नमस्कार, आपका टेक प्री किचन में स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको अचार चलेगा आपका सालों साल। उसके लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ, वो आप देखिए। फर्स्ट, अचार कम से कम 2 साल तक या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें पानी ना जाए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। सेकेंड, मर्तबान को अच्छी तरह से साफ़ करें। इसे सुखाने के लिए पूरे 1 दिन धूप में रख दें, उसके बाद ही इसमें अचार रखें। मर्तबान और उसका ढक्कन अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए। यदि इसमें थोड़ी सी भी नमी रह जाती है तो अचार ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। थर्ड, आम, कटहल, मिर्च, नींबू, अदरक आदि पानी में साफ़ करने के बाद ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा इन्हें अच्छी तरह से पोंछ कर और सुखाने के बाद इस्तेमाल करें। फोर्थ, अचार के तेल को बीच बीच में बदलते रहें। अचार ज़्यादा दिनों तक चलता है, ऐसे में पुराने तेल को फेंके नहीं, बल्कि उसको दूसरे व्यंजन बनाने में इसको इस्तेमाल कर लें। फिफ्थ, अचार को मीठे तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें वह काला पड़ जाता है। मीठे तेल में बना अचार मुलायम नहीं रहता, जबकि सरसों के तेल के अचार का रंग बना रहता है और ये गल भी जाता है। सिक्स पॉइंट ये कि बाजार की तैयार सामग्री लेने की बजाय इन्हें घर पर ही तैयार करें, इससे अचार ज़्यादा समय तक चलता है। अचार निकालते वक्त हाथ का इस्तेमाल न करें, किसी साफ और सूखे चम्मच से इसको निकालें। अचार को जितनी देर धूप में रखेंगे ये उतना ही स्वादिष्ट बनेगा, इसलिए इसे धूप की कमी नहीं होने दें। अचार में रंगत लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का उपयोग करें। जितने ही लाल मिर्च डाल रहे हैं उसकी आधी कश्मीरी लाल मिर्च डालें। तो इस प्रकार ये कुछ टिप्स हैं, इनको ध्यान रखते हुए आप अपने अचार को काफ़ी टाइम तक चला सकते हैं, उसका रख रखाव कर सकते हैं। आपको मेरी ऑडियो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल टेक प्रीति को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, गुड इवनिंग।